हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में करेक्शन का वेट कर रहे थे, अगर आप इस कंपनी में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का वेट कर रहे थे, तो अब दोस्तों यहां पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब दोस्तों अपने ऊपरी स्तरों से ही अच्छा खासा करेक्शन में हमको मिल रहा है। काफी दोस्तों इसमें रनअप देखने को मिला था रिसेंटली, तो यहां पर अब जब करेक्शन आ रहा है दोस्तों, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में बन रही है। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं कई बार रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, काफी निचले स्तरों पे भी दिया था, और रिसेंटली दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, जहां पर दोस्तों उन्होंने इसको एज ए मल्टीबैगर की उपाधि भी दी है। ठीक है, तो कंपनी कौन सी है दोस्तों, नाम मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा और अच्छा खासा ये करेक्शन हो रहा है। तो इस कंपनी के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। हालांकि देखिए, अगर सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में है तो दोस्तों इसमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको दोस्तों बिजनेस मॉडल पता होगा तभी आप में कन्विक्शन आएगा इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। एंड में आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा क्या फ्रेश बाइंग लेवल हो सकते हैं इसके, तो बहुत इंफॉर्मेटिव इंसाइटफुल वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए। अच्छा लगे तो प्लीज क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड कॉन्टेंट के लिए। तो फाइन ऑर्गेनिक्स दोस्तों करती क्या है कंपनी, देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स दोस्तों लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स इंडिया में। जब बात होती है नीश एडिटिव्स को, फाइन एडिटिव्स भी आप बोल सकते हैं। तो अगर जब बात करें दोस्तों इंडिया की, तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ग्लोबली मैं बात करूँ तो दोस्तों सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लेयर है ये पॉलीमर एडिटिव्स का, है ना, एंड लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है स्पेशलिटी फूड इमल्सीफायर में भी। अब फाइन एडिटिव्स का काम क्या है, देखिए ये है दोस्तों विदाउट फाइन एडिटिव्स और ये है विद फाइन एडिटिव्स, मतलब कि नीश एडिटिव्स ये जो कंपनी बनाती है, ये काम क्या होता है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने की काम में दोस्तों ये आता है, प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को, फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के काम में आता है, जैसे कि ब्रेड। आप देख सकते हैं सातवें दिन विदाउट फाइन एडिटिव्स इसमें फंगस लग चुकी है इस ब्रेड में, और ये ब्रेड आप देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ा है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, देखिए एडिटिव्स का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की दोस्तों क्वालिटी को एनहेंस करने का काम एडिटिव्स करते हैं, ठीक है। और उसमें दोस्तों ये ज़बरदस्त एक इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स की जब बात होती है दोस्तों, यहाँ पर इसका अच्छा खासा एक ग्लोबली मैं बात करूँ चाहे इंडिया की बात करूँ, एक अच्छा खासा नाम है। वन ऑफ दी आप कह सकते हैं कि ओलियो बे केमिकल बेस्ड एडिटिव्स दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स ही बनाती है, ये है दोस्तों इसके खासियत, ठीक है। इस पूरा अभी पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बिस्किट है इनका टेक्सचर आप देख सकते हो, विदाउट ये विदाउट एडिटिव्स हैं, ये विद फाइन एडिटिव्स हैं। तो देख लीजिए आप स्ट्रक्चर में कितना अच्छा टेक्सचर में यहाँ पर जो है चेंज हुआ है। एंटी फॉगिंग प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक, तो ये देखिए जो शादियों में जो ढक्के रखते हैं जैसे सलाद वलाद जो उसमें ऊपर जो प्लास्टिक कवर लगता है, तो आप देख सकते हैं ये जो है विदाउट है, ये विद है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका यूसेज है। एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक प्रिवेंट्स अट्रैक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ पर ये विदाउट फाइन एडिटिव्स है, ये विद फाइन एडिटिव्स है, मतलब कि विद फाइन एडिटिव्स आप देखिए कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं होते जो है प्लास्टिक पे, मतलब कि एंटी स्लैटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर बढ़ जाती है। वाटर अब्जॉर्प्शन इंप्रूव्स फॉर स्पेशलिटी प्लास्टिक एप्लीकेशन लाइक वेट वाइप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट वाइप्स में देखिए जो है अब्जॉर्प्शन जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। एंटी सेलिंग एजेंट्स है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए फाइन एडिटिव्स का काम क्या होता है। तो ये थोड़ा सा एक जेनरिक दोस्तों ओवरव्यू था आपके लिए। अब नेक्स्ट हम बात करें देखिए किस किस सेगमेंट में ये काम करते हैं, तो देखिए फूड एडिटिव्स ही बनाते हैं, प्लास्टिक पॉलीमर एडिटिव्स, कॉस्मेटिक एंड फार्मा, रबर टीपी एडिटिव्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी एडिटिव्स। अब टाइप देखिए एंटी फंगल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, स्लिप एडिटिव्स, एंटी फॉगिंग, इनेबल मैन्युफैक्चरिंग, एंड देखिए रबर मतलब टायर इंडस्ट्री में भी दोस्तों ये एडिटिव्स काम आते हैं टायर की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। एंटी सेटलिंग एजेंट्स, इमल्सीफायर, थिकनिंग, एंटी सैगिंग एजेंट्स, तो मतलब कोटिंग्स वगैरह में भी एडिटिव्स काम आते हैं। तो अगर इनका दोस्तों हम बात करें देखिए कितना ग्रोथ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ग्रोथ का, यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम आगे चल के बात करेंगे, पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों क्या एंट्री बैरियर्स है इस बिजनेस में, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए ये है दोस्तों एंट्री बैरियर्स इसके, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन टिपिकली रिक्वायर्स हाई R&D एक्सपेंसिस, ओनली लार्ज स्केल प्लेयर्स कैन अफोर्ड, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जो लिमिटेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो R&D एक्सपेंसिस है बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और ओनली लार्ज प्लेयर्स कैन अफोर्ड। और लार्ज प्लेयर्स में दोस्तों ग्लोबली या इंडिया की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसके पास दोस्तों ये प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है, जहाँ पर इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। केपेक्स कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोसेस डिजाइन कॉस्ट ऑफ वेरी हाई, तो ये सारे एंट्री बैरियर्स है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, जैसा कि मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था। आपके साथ दोस्तों मैंने शेयर किया था वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो
तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सौरभ मुखर्जी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहां पर आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगे, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी बात करी दोस्तों, यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर नए प्लेयर दोस्तों आना थोड़ा सा मुश्किल है। कस्टमर प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस तो लेंदी 3 से 5 साल का यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस है अप्रूवल लेने के लिए। सो कस्टमर प्रीफर अप्रूव्ड सप्लायर्स, तो अप्रूव्ड सप्लायर्स यहाँ पर कस्टमर प्रीफर करता है, जो कि फाइन ऑर्गेनिक्स के पास ऑलरेडी यहाँ पर सारे अप्रूवल्स हैं। क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स, एडिटिव्स आर टिपिकली अंडर 2% वेट इन देयर एप्लीकेशन मटीरियल, हेंस कस्टमर्स प्रीफर कंसिस्टेंट क्वालिटी ओवर दी एडिटिव प्राइसेस। Availability of raw material availability and procurement cost are crucial to be competitive. Access to market, nearness of manufacturing plants to emerging markets will give logistic cost advantages. तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे यहाँ पर जो है एंट्री बैरियर्स हैं, जो इसको एक अलग बिजनेस मॉडल बनाते हैं। और मतलब हाईली रेगुलेटेड और स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी पैरामीटर्स चाहिए होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिनका अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि तो बेसिकली दोस्तों ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमंस पे। जी हाँ दोस्तों, इनका डायरेक्ट रिलेशन है ह्यूमन के साथ, तो इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स के पास है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, ये सारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और अप्रूवल्स की बात करें तो 3 से 5 साल लग जाते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर गजब के एंट्री बैरियर्स हैं। और फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त प्लेयर है। अब देखिए इंडस्ट्री पोटेंशियल की हम बात करें, देखिए फूड एडिटिव्स की बात करें तो ग्लोबल जब बात करें दोस्तों, फूड इमल्सीफायर्स आप देख सकते हैं इंडस्ट्री करीब 5.4 CAGR से ग्रोथ हो सकती है। और इंडिया की बात करें तो 7.36 CAGR से, मतलब अगर इंडस्ट्री दोस्तों इतने CAGR से ग्रो हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि आराम से 15-20% CAGR से ये कंपनीज भी ग्रो हो सकती हैं, एज पर दी यू नो कमेंट्स मेंशन बाय दी मिस्टर सौरभ मुखर्जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, देखिए इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कन्वीनियंस फूड एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड देखिए सो ऑन सो फोर्थ, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, राइजिंग डिमांड ऑफ हेल्थियर एंड बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ओलियो केमिकल बेस्ड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है, उसकी डिमांड भविष्य में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर इनकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है दोस्तों डेफिनेटली। उसकी वजह से आपको ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव जो कंपनी बनाती है, उनका ज़्यादा यूज़ होते हुए भविष्य में देखने को मिल सकता है। पॉलीमर एडिटिव्स की बात करें, देखिए ग्लोबली 4.6 CAGR से ग्रो हो सकती है, इंडियन मार्केट में 6.7 CAGR से ये जो है इंडिया मार्केट ग्रो कर सकता है पॉलीमर्स की, जहाँ पर ये बनाते हैं पॉलीमर। और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल मटेरियल्स बाय प्लास्टिक इन सेवरल एप्लीकेशंस, इंक्रीजिंग प्रेफरेंस ऑफ नॉन टॉक्सिक पॉलीमर एडिटिव्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलीमर एडिटिव्स, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग परचेजिंग पावर अमंग कंज्यूमर्स, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। अब अदर स्पेशलिटी एडिटिव्स यानी की ड्राइवर्स इनकी बात करें, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर FY17 से 22 तक ये करीब आप देख सकते हैं लगातार इतने CAGR से ये ग्रो सकता है। और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यूज ऑफ कार एंड ट्रक्स, ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सेफर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मूविंग टू Tier 2 सिटीज, लोअर पर कैपिटा कोटिंग कंजम्पशन, ग्रोथ इन ऑटो सेल्स। तो ये सारे जो हैं इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गजब का बिजनेस मॉडल है। हालांकि इसके बारे में एक बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ताकि दोस्तों एक बार फिर से आपको यहाँ पर बिजनेस मॉडल में कन्विक्शन आएगा, तभी आप यहाँ पर पेशेंस के साथ इसको होल्ड कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। अब देखिए दोस्तों, अपने ऊपरी स्तरों से कितना करेक्ट हो चुका है, करीब आप देखिए दोस्तों करीब मान के चलिए 19-20% के करेक्शन पे मिल रहा है। अच्छा खासा इसने एक ये रनअप दिखाया था ये वाला, और तब मैंने वीडियो बनाया था, अभी इसमें बाय मत कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो आपके लिए वीडियो फिर से बना रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप यहाँ पर अपडेट रह पाएं। तो यहाँ पर दोस्तों 19-20% करेक्शन आया। ये करेक्शन क्यों आ रहा है, बेसिकली दोस्तों जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, अभी इसका फ्लक्चुएशन आता है इस तरह की यू नो बिजनेस में। बेसिकली जो ऑलियो केमिकल बेस्ड कंपोनेंट जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसमें रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि सोया सीड ऑयल हो गया या फिर कैस्टर ऑयल हो गया, जो है ये कमोडिटी दोस्तों इनकी जो प्राइस राइज होंगी, तो डेफिनेटली इनकी प्राइस राइज होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन में इंपैक्ट होता है वो देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों एक रिस्क है इसके साथ, यही एक ओनली रिस्क है, लेकिन ये रिस्क दोस्तों आपको पता है परमानेंट नहीं रहता, टेम्प्रेरी रहता है। तो आप देखेंगे शेयर प्राइस में पहले भी कई बार करेक्शन आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा करेक्शन आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा करेक्शन आया, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये करेक्शन चलते रहेंगे। आपको बाय का करना है इन करेक्शन पर, हमेशा इसको लॉन्ग टर्म में बाय करना है, तभी दोस्तों आप ज़्यादा यहाँ पर एवरेज अपना आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा निकलेगा। और ये कंपनी दोस्तों मुझे लगता है कि आराम से 20% CAGR से ग्रो हो सकती है आगे आने वाले सालों में। अगर मैं बात करूँ, देखिए पिछले 3 सालों में 52.1% CAGR से ग्रो हो रही है, ज़बरदस्त दोस्तों इसके फंडामेंटल्स हैं, आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए ROC शानदार है, ROE ज़बरदस्त है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, प्लेजिंग 0 है, अच्छे खासे फ्री कैश फ्लोज हैं,
और पी थोड़ा सा आपको महंगा दिखेगा, लेकिन अभी दोस्तों जैसे मैंने बात करी, यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि जैसे मार्सेलस इन्वेस्टमेंट भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, बड़े बड़े अगर हम बात करें FIS DIS इसमें इन्वेस्टेड हैं, और प्रीमियम वैल्यूएशन इसको दी जाती है। आप देखिए यहाँ पर लगातार प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को यहाँ पर 75 रखा हुआ है, और DIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है यहाँ पर, और FIS की 5.6 के आसपास है। तो ज़्यादातर जो स्टेक हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, मतलब प्रमोटर्स FIS DIS पब्लिक के पास, देखिए ओनली 4% के स्टेक हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि गजब का बिजनेस मॉडल है, गजब का यहाँ पर कन्विक्शन है, इस बिजनेस पे आगे अच्छा ग्रो कर सकता है। जिस प्रकार की डिमांड आ सकती है यहाँ पर, एक फाइन ऑर्गेनिक्स डेफिनेटली इस डिमांड को केटर करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको बाय करना है दोस्तों ये, तो कहाँ बाय करें? तो ये दोस्तों अभी आपको बाय करना चाहिए इसी लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे तो ये नीचे जब गिरा उसके बाद से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखिए आप कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर नीचे जा नहीं रहा है, एक यहाँ पर इसने बेस ले लिया, अपना सपोर्ट ले लिया है, तो ये सपोर्ट बन चुका है इसका दोस्तों। अब यहाँ से मेरे को लगता नहीं ज़्यादा ही करेक्ट होगा, अगर हुआ भी तो इसमें दोस्तों घबराने की बात नहीं, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। करीब 2500 तक आपको मिले तो यहाँ पर दोस्तों एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका शानदार हो जाएगा, यहाँ पर हमको सेफ्टी मिल जाएगी अच्छी खासी। लेकिन यहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको बाय करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो यहाँ पर आप छोटी क्वांटिटीज़ में इस बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे करेक्ट हो आप दोस्तों अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के तहत आप इसको दोस्तों इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। ज़बरदस्त कंपनी है, कोई घबराने की बात नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज अच्छे जनरेट कर रही है ईयर ऑन ईयर। ये जो रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन होता है इसमें दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग टर्म में आपको निचले स्तरों में एवरेज करने की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड कॉन्टेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।